मतलब मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत समय से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। सो गाइस, हाँ मैं गायब हो जाती हूँ बीच बीच में, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एंड मैंने कल भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट आई वॉज काइंड ऑफ अपसेट और बिल्कुल एकदम मैं सैड थी। सो देयर हैज़ बीन समथिंग जो मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है अभी। सो दो चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं, एंड आप लोग बहुत सारे लोग बोले थे अपडेट तो अपने चिन हेयर्स पे, सो उसका भी मैं आपको बता दूँ। प्लस गाइस, आई वॉज प्रेगनेंट एंड आई हैड अ मिसकैरेज। सो एक न्यूज़ ये है, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूँगी, मुश्किल से लाइक 5 मिनट से थोड़ा सा ही वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि एक अपडेट आप लोगों को दे दूँ मैं। सो आई गॉट प्रेगनेंट, एंड आप लोगों ने सही गैस किया था कि दीदी आप प्रेगनेंट हो, एंड मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस किए थे। एंड सो आई गॉट यू नो मिसकैरेज, पता नहीं कैसे क्यों हुआ, बिकॉज जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया था, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर ही किया हुआ है सारी चीज़ें। एंड उस समय मेरे को बहुत यू नो लाइक मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, अपने हार्मोन्स चेक कराने पड़े थे, एंड देन आई गॉट प्रेगनेंट। बट इस बार आई वॉज लाइक यू नो आई वॉज इवन सरप्राइज, मैं खुद ही सरप्राइज थी कि यार मैं प्रेगनेंट हूँ। एंड दो हमें वी नेवर वॉन्टेड टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, बट बोलते ना जब भगवान देता है तो इट्स लाइक ओ वाओ कि यार यू नो भगवान ने दिया है सो हमें उसको अपनाना है। एंड सडनली कुछ दिनों बाद लाइक एक मंथ बाद आई हैड अ मिसकैरेज। सॉरी। सो गाइज, ये है वो बात। एंड दूसरी बात मैं आपको बता दूँ तो माई मदर इन लॉ इज़ नॉट वेल। आपको याद होगा मैंने बीच में एक हैदराबाद वाला व्लॉग डाला था, सो हम हैदराबाद गए थे उनको डॉक्टर को दिखाने, एंड शी हैज़ अ कैंसर, सो शी इज़ गोइंग थ्रू कीमो। एंड अभी लाइक यू नो 15 डेज से मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे, तो उनकी कीमो हो रही थी, शी हैड अ कीमो एंड देन शी गॉट इन्फेक्शन, सेप्सिस करके कोई इन्फेक्शन होता है जो ब्लड में हो जाता है, एंड देन शी केम बैक टू बैंगलोर। और अभी आज फिर उनको कल उनको फिर एडमिट किया है। सो ज़िंदगी बहुत ही ना अजीब सी चल रही हो, नेवर नो कब किसके साथ क्या हो जाए या कौन किस चीज़ में यू नो भटक रहा है। तो हमें हमेशा अच्छे वर्ड्स, अच्छे यू नो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो लोग खुश हैं उनको खुशी दो, जो लोग दुखी हैं उनके लिए सब अच्छा करो, मैं यही बोलूँगी। एंड मैं क्या बोलूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। सो इस वजह से मेरे कोई वीडियोस मैं खुद नहीं आ रही थी, मन तो बहुत करता व्लॉग बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। इस बार सोचा भी था कि पूरी अपनी डे वन से यू नो प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी, रिकॉर्ड भी करना चालू किया था, बट नाउ मैंने सब डिलीट कर दिया सब कुछ, एंड आई फील वेरी लो नाउ डेज। एंड रिसेंटली मैंने अपने हारमोन्स का भी पूरा यू नो चेक कराया है, वो मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो जो भी ट्राई कर रहे हो भाई, वो स्ट्रेस से दूर रहो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था अपनी मदर इन लॉ का कि एंड शी इज़ नॉट वेल, उनकी कीमो हो रही है एंड ऑल दैट, इस वजह से भी हुआ हो सकता है। सो उसका कोई रीज़न नहीं है मेरे पास कि क्यों हुआ, शायद भगवान नहीं चाहता था पता कि कुछ ऐसा हो। एंड मैं सोची कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे को लगता है मैं आपके साथ अपनी हर बात शेयर करती हूं, कोशिश पूरी करती हूं कि आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट लाइक यू नो एक फैमिली की तरह है। आप में से कुछ लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करते हो, तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि रिप्लाई करूँ। एंड किसी ने तो गैस भी कर लिया था। सो गाइस, यही वो बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं बिल्कुल अंदर से खुश नहीं हूँ। मेरे को मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मतलब क्यों हो गया ऐसा समझ में नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम्स, पता नहीं पूरे समय ऐसा लगता है कभी कि प्रॉब्लम्स मुझे ही घेरे रहती है।
जब कुछ लाइफ स्मूथ चलेगी तभी कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आप लोग तो खुश हो गए, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊँ। अभी मैं कोई कोई चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, अपने चिन्हेयर्स, हार्मोन्स, अपनी बॉडी के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले व्लॉग में। रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर करना है तो आपको। दैट्स ऑल, आई विल नॉट से एनीथिंग एल्स। थैंक यू।